जब से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की और राजनेताओं से ताल्लुक हुआ, तब से यही हम देखते आए कि किसी भी जनप्रतिनिधि के मात्र एक विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे। अगर विधायक अनुपस्थित हैं तो उनकी गैरहाजिरी में, चाहे प्रशासनिक मीटिंग में जाना हो, प्रेस वार्ता करना हो, वही किया करते थे। लेकिन गढ़वा विधायक अमिशराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, इनके द्वारा एक नई परिपाटी की शुरुआत की गई, सकारात्मक परिपाटी की। वह थी कि हर एक विभाग के अलग अलग प्रतिनिधि होंगे जिनके द्वारा उन विभागों के कामकाज देखे जाएंगे। साथ ही प्रवक्ता, मैं अगर गैरहाजिर हूं तो मेरी गैरहाजिरी में मेरे प्रवक्ता मीडिया से मुखातिब होंगे, कुछ भी बयान देने के लिए अधिकृत होंगे। शुरुआत से इस परिपाटी की शुरुआत की गई। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे नए नए प्रवक्ता बनाए गए हैं, सैयद गुलाम हुसैन भाई हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, जिनको नए प्रवक्ता बनाया गया है। आप लोग ये विधायक बने, मंत्री बने, उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले जब वो संघर्ष कर रहे थे, यानी मिथिलेश ठाकुर, तब से आप उनके साथ में, आपका परिवार, आपका पूरा कुनबा उनके साथ में था, इनको प्रतिनिधि आप लोगों ने चुना, क्योंकि आप लोगों ने महसूस किया था कि गढ़वा विकास के मामले में काफी पीछे है, इसके ऊपर आगे लाना है। तो यह व्यक्ति जिसके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है गढ़वा को आगे लाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को साथ देना चाहिए। आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना ही नहीं है। आज क्या स्थिति है, सबसे पहले तो आपको बधाई गुलाम भाई कि आप प्रवक्ता बनाए गए, आप हम लोग से मुखातिब हो गए आप, और क्या कहेंगे? मिथिलेश ठाकुर के पूरे कार्यकाल को आपने देखा है, शुरुआत से, संघर्ष से लेकर के अब तक के कार्यकाल, अब तो 2 माह के बाद चुनाव भी होना है, प्रवक्ता बनाए गए हैं आप, आपने किस तरह के काम काज को देखा? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और सभी भाई बंधुओं को झारखंडी जोहार। अब बात कर रहे हैं आप विधायक बनने से पहले जैसे हमारे नेता क्या थे, कैसा कार्यकाल करते थे। देखिए, आप मीडियागण, आपको पता था जब वो विधायक नहीं भी थे तब भी पूरे जिला को पानी दिया करते थे, ये हमारे आंख से देखी हुई बात है, हम लोगों ने, सारी जनता ने देखा है कि हर जगह पे उनका पानी का टैंकर जाता था, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने की वजह से पानी बहुत ज्यादा, खास के शहरी इलाके गढ़वा में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उस वक्त हमारे नेता श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी क्या करते थे कि टैंकर भेज के सबको पानी देते थे। और अहम बात आपने ये कहा है कि उससे पहले उनकी क्या छवि थी, क्यों आप उनको सेलेक्ट किए, क्या ऐसा लगा, आपका पूरा परिवार बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। देखिए, लीडर, नेता जो है, नेता के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी है या होती है वो ये कि वो निष्पक्ष हो, जो सबसे अहम क्वालिटी है, और ये हमारे नेता श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी में है। निष्पक्षता इतना अच्छा इनके अंदर है, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं है किसी भी चीज में, हर चीज को सरकारी लाभ देने का पूरा प्रयास करते हैं, हर घर में जाने का काम करते हैं, चाहे वो घर छोटा हो बड़ा हो, इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। ये आप लोगों ने देखा है, इसके ये मैं इसलिए कि मैं हमेशा उनके साथ नहीं था, अब हूँ, हमेशा उनके गाड़ी के साथ तो था नहीं, ये आप लोगों ने ही मुझे बताया, दिखाया कि हर जगह हमारे नेता जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये सिलेक्शन उनको सेलेक्ट करने के लिए मेरा जो पर्सनली है कि वो निष्पक्ष हैं, बहुत कार्य करने वाले, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नेता है वो सिर्फ बातें नहीं करते, इनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी की सिर्फ बातें नहीं करते, अभी भी आप देखेंगे कि बिना किए हुए हमारे पूर्व विधायक हो या और भी जो नेता हैं, वो बिना किए हुए बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसे किया वैसे किया, हमारे नेता इतना कुछ करने के बाद भी अपना डंका नहीं इस तरह से बजा रहे हैं। हर लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे सड़क है, किसी भी गांव में चले जाइए आप, आपको सड़क मिलेगा। जिस बरसात में हम लोगों का पैर कीचड़ में गंदा हुआ करता था, हमारे ही पंचायत में बहुत सा रोड बन गया, हर पंचायत में इसी तरह से रोड बना है, हर जगह पे पानी की सुविधा पहुंचाई गई, ये आपका खुद का एनालाइज है, आपके चैनल से ये मैंने देखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे पानी पहुंच रहा है, लोग खुश हैं,
लाइट का उद्घाटन अभी रिसेंटली हुआ है, 82 लाइट का जो उद्घाटन हुआ है, ये हमारे पंचायत सभी जिला के पंचायत में जो हुआ, इससे कितना बड़ा लाभ लोगों को पहुंचेगा ये आप खुद भी आकलन कर सकते हैं। गुलाम भाई, हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। जब एलईडी लाइट की बात कर रहे हैं, हम लोग अभी, आप भी बड़े शहरों में गए होंगे जहां पर हमें मास्ट लाइट जो केवल शहरों में शहरी मुख्यालय में रहा करता था, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए निश्चित रूप से ख्वाब रहा होगा जी बिल्कुल, कि ऐसा हाई मास्ट लाइट होता है जो ऊपर से चलता है, पूरा उजाला होता है जहां तक वो लाइट का लाइट की रोशनी जाती है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए एक सपना रहता होगा बिल्कुल सर। तो उस सपना को साकार करने का निश्चित रूप से मिथिलेश ठाकुर ने काम किया जी बिल्कुल। ये उस सपने को साकार करने के लिए हमारे श्रीमंत मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का ही काम है कंप्लीट, ये तो सभी को जान रहे हैं। और आप देख लीजिए इस ये यही तो विकास है ना, इसी को विकास कहते हैं। अब कोई आदमी कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा तो जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता इस बात को अच्छे से देख रही है। अभी गढ़वा में इतना अच्छा खुशी का माहौल बना जब ये लाइट का उद्घाटन किया गया, हम लोग हर पंचायत में गए हैं, लोगों से मिले, पूछे कैसा लग रहा, बोले कि बहुत अच्छा। जो गाँव अंधेरे में रहा करता था, चौक चौराहे पे हम बैठ नहीं पाते थे, अपने ही गांव में जैसे 10 लोगों का चौक बनता है बैठते नहीं बैठ पाते थे, आज लाइट लगी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब उनको अपने बेटा के जैसा लोग मानते हैं गांव में, कहते हैं कि हाँ एक ये नेता हमें मिला जो हमारे बारे में सोच रहा है, सिर्फ न्यूज चैनल पे बोलना या बकबक करने वाला नेता नहीं, कार्य करने वाला नेता हमें मिला है। सड़कें नहीं थी, लोग पगडंडियों से गुजरा करते थे ऐसा कहा जाता है, आपने महसूस किया होगा सर। आज सड़कें बनी हैं, आप भी देख रहे हैं, तो पूरा पूरा विकास कार्य जो स्थिति थी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की, मिथिलेश ठाकुर का साफ कहना था जब वो संघर्ष किया करते थे, जब गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने चुना, उनका बचपन यहाँ गुजरा था, उन्होंने महसूस किया था कि गढ़वा खास करके सबसे पिछड़ा है, आज भी पिछड़े जिले में शुमार होता है अपना गढ़वा जिला। इसी कसक को दूर करने के लिए उन्होंने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को चुना था और उसी के अनुपात में उनके द्वारा काम किया गया ताकि अपना गढ़वा अग्रणी जिला में शुमार हो, पिछड़ेपन का कलंक धूल जाए इसके माथे के ऊपर से। तो किस तरह की समस्या थी यहाँ पर जिसे मिथिलेश ठाकुर द्वारा दूर किया गया? देखिए सर, सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो मैं मानता हूँ, जो मेरे आकलन से जो मुझे समझ में आया है, सड़क का सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत हुआ करता था। आप सड़क गांव में था ही नहीं, कच्चे रोड हुआ करते थे, आज हर जगह पे पक्का रोड है, सीमेंटेड है या फिर बिटुमिन या ये जिसको पिच कहते हैं उसका रोड है कंप्लीट। और ये सिर्फ मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, ये आप देखे भी, आप लोगों ने दिखाया भी, हर जगह पे है, इसका लाभ मिल रहा है सभी लोगों को। पानी का व्यवस्था बहुत अच्छा इन्होंने किया, जल मीनार हो गया, नल हो गया, कल हो गया, ये सारी चीजों इन्होंने हर गांव, हर पंचायत, हर समाज के लोगों में दिया। उसके अलावा भी विकास का बहुत सा काम है कि कौन कौन से काम को जोड़ाया जाए। आप अपना देख लीजिए कि घंटाघर देखें या फिर टाउन हॉल देखें या फिर आप जाएं कल्याणपुर जाकर समरनालय को देखें, पार्क को देखें, आप देखकर ये महसूस, मतलब ये सोचना भी आज के टाइम में मुश्किल हो जा रहा है हमारे विरोधियों को कि इतना काम कोई नेता बहुत कम समय में कैसे कर सकता है। 2 साल कोरोना में बीता, 3 साल का काम इन्हें करने का मौका मिला, 3 सालों में हमारे माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने इतना विकास किया है कि आज गढ़वा पिछड़ी में गिनती नहीं होता आज, बल्कि अगर 3 साल का कार्यकाल में देखा जाए तो मुझे लगता है कि गढ़वा विधानसभा झारखंड के सारे विधानसभा से ज्यादा डेवलप किया है। गुलाम भाई, आप प्रवक्ता बन गए हैं, ऐसे तो आप संपर्क में उनके थे ही, अब तो सीधे रूप में आपका जुड़ाव हो गया है, आप जिस मोहल्ले से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वहां के लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ेगी जी। क्योंकि वो आपसे मिलेंगे कि आप मेरी बात को वहां रखें ताकि मेरे समस्या का समाधान हो, तो आप किस रूप में उन्हें टैकल करें, किस रूप में उनका उनके समस्या का समाधान करें? सर देखिए, जो भी समस्या होगी, जो सरकार द्वारा पूरी की जा सके, उस समस्या का समाधान निकाला जा सके, उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा। और बोले तो कि हम जो अपने नेता जो हमारे हैं श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, ये हमने उन्हें इसलिए ही चुना है क्योंकि वो निष्पक्ष हैं, उन तक बात पहुंचाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है,
वो हर की बात सुनते हैं और उस पर फिर एक्शन भी होता है, उस पर फिर लिया भी जाता है संज्ञान कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या वाकई ये दिक्कत है या नहीं। अगर वाकई दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन वो निकालेंगे ही निकालेंगे, उस पर वो काम करेंगे ही करेंगे। इसलिए मुझे उनसे संपर्क में जाके अपने बात रखने में मतलब किसी भी तरह से कोई भी परेशानी की बात नहीं है। जो लोग का जो भी अपेक्षा है और बात मेरे तक पहुंचेगी या और बाकी प्रतिनिधियों से जो बात पहुंचाई जाती है वो पूरी की जाती है, इसके लिए तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है हम लोगों को। मतलब आप जो उम्मीद है उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे जी? हाँ, मेरी पार्टी, मेरे नेता का उम्मीद है कि प्रवक्ता इस बनाए हैं तो हम अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकें, लोगों तक बता सकें जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, मीडिया के थ्रू गलत हमें साबित करने का प्रयास करते हैं, हमारे नेता को प्रयास करते हैं गलत साबित करने के लिए, उन सबको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा और जो सच्चाई है उसको बिल्कुल सारे लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ सैयद गुलाम भाई थे जो प्रवक्ता बनाए गए हैं, साथ ही मीडिया प्रभारी भी गुलाम भाई जी। अब मीडिया से मुखातिब होते रहेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही वक्त बचा है, जब आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा। गुलाम भाई का कहना है कि अपने संघर्ष काल के दौरान ही मिथिलेश ठाकुर द्वारा, उस वक्त हम अभी मंत्री नहीं कहेंगे, मिथिलेश ठाकुर द्वारा एक कसक महसूस की गई थी कि अपना गढ़वा काफी पिछड़ा है, इसके ऊपर पिछड़ेपन का कलंक लगा है, इसी पिछड़ेपन के कलंक को धोने के लिए ही उनके द्वारा गढ़वा को चुना गया था। अगर चाहते झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्हें गढ़वा इसलिए चुना था क्योंकि उनका यहाँ बचपन गुजरा था, उन्हें लोगों की पीड़ा को महसूस किया था और खास करके लोगों के दर्द को उन्होंने महसूस तब किया जब उनके द्वारा गढ़वा विधानसभा में संघर्ष की शुरुआत की गई। जैसे लोग अपनी समस्या कहते हुए, अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखें ललच पड़ती थी, उनकी आंखें जब लरजती थी तो मिथिलेश ठाकुर भाव खो जाया करते थे और कहते थे कि आज अपने पास जितना समर्थ है मैं उसके अनुसार आपकी समस्या का निदान कर रहा हूं, लेकिन आपकी बड़ी समस्या, आपकी बड़ी परेशानी को दूर मैं तब कर सकता हूं जब मेरे हाथ में कोई अधिकार आएगा। लोगों ने अधिकार दिया, लोगों ने उनके हाथ को मजबूत किया। आप बखूबी वाकिफ हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाका हो, किस रूप में उनके द्वारा विकास किया जा रहा है यह आपकी नजरों के सामने नुमाया हो रहा है। जरूरत है आपके सैयद गुलाम भाई प्रवक्ता बनाए गए हैं, मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपकी जो भी समस्या हो निश्चित रूप से आप इनसे मुखातिब होंगे, आप इनसे रूबरू होंगे, इनके इन्हें बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा क्योंकि आपके विधायक, आपके मंत्री आपकी समस्या से नावाकिफ नहीं पूरी तरह वाकिफ है। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।